हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारे नए वीडियो में। गाइस, हमें आप लोगों के साथ में एक न्यूज़ शेयर करनी है। मतलब आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया रहेगा इस चीज का, क्योंकि हम इतने सारे अपने व्लॉग के अंदर मेंशन कर चुके हैं कि हम लोग अपार्टमेंट चेंज करेंगे, तो हम ऐसा रखेंगे, उसमें वो रखेंगे। तो फाइनली हम लोगों को अपार्टमेंट मिल गया है और आज हम लोग जाएंगे पहले तो उस अपार्टमेंट का सारा मतलब बचा हुआ प्रोसीजर करने के लिए। बेसिकली थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी बची है, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। और हम लोग को आई थिंक एक महीने पहले अपार्टमेंट मिल गया था। हाँ, और हमने हाँ, किसी को भी नहीं बताया, हमने फैमिली में भी किसी को नहीं बताया। हम जब हमारी जो ट्रिप थी उससे पहले हमें मिल गया था, कॉल आ गया था उनका, और उससे इतनी भागा दौड़ी हुई उस चक्कर में। और हम लोग गए, हमने आकाश ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन कर दिया। फिर हम लोग ये सोच रहे थे कि हम ट्रिप से आ जाते हैं, एक बार हमारे घर में कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, फिर हम सबको बता देंगे। तो उसको आने में भी टाइम लगा ना। और कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली जो लोग संभालते हैं वो लोग चेंज हो गए, तो पूरा जो प्रोसेस 3 दिन में होनी थी वो 3 हफ्ते में हुई है, थोड़ा तो नहीं बोलूंगा। तो हम उसका वेट कर रहे थे कि एक बार आ जाएगा, तो फैमिली को कॉल करके बता देंगे कि फाइनली हमें मिल गया है अपार्टमेंट। और लेकिन उस चीज में बहुत टाइम लग गया। फिर उनका खुद का कॉल आ गया कि आप अभी आ जाओ, बची हुई फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, आप अपने घर की चाबी ले लो। तो हमने सोचा ठीक है यार, हम घर में जा ही रहे तो वहीं से फैमिली को कॉल करते हैं। और आज उनके लिए भी सरप्राइज होने वाला, हम भी देखेंगे उनका रिएक्शन। फैमिली ने से कॉल करके पूछी थी यार तुम्हें, क्योंकि हम लोग 6 महीने से अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो बहुत लंबा टाइम था, सबको पता था हम लोग ढूंढ रहे हैं। और 6 महीने में कुल मिला के हमने अप्लाई तो पता नहीं, हम खुद एग्जैक्ट नंबर नहीं जानते, पर हमने कुल मिला के 20 अपार्टमेंट व्यूइंग करी थी, जिसमें से हमें लगभग 10 मिल गए थे। 10 हमें वैसे मिल गए थे, 10 में से हमें एक बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि फिर ना हमें सब देख रहे थे यार, अच्छी बालकनी हो, एरिया अच्छा सा, गार्डन वार्डन। हाँ, तो हमने सब कुछ फाइनल करके हमारा एक अपार्टमेंट हमें एकदम पसंद वाला मिल गया। तो अभी हम वहां जा ही रहे हैं, फैमिली को कॉल करेंगे। मतलब मेरी फैमिली तो पूछ रही थी कि यार इला की नहीं मिला। और मैं उनको झूठ पे झूठ बोल रही थी, मम्मी टेंशन मत लो, इस ईयर के एंड में तो मिल ही जाएगा। हम लोग हर को जगह बोल रहे हैं इस ईयर के एंड में हो जाएगा, इस ईयर के एंड में हो जाएगा। और हम लोग पहली मतलब अपने इतने टाइम से पेट में रख रहे थे। तो अभी सब कुछ हो गया फाइनल, अभी हम लोग उसी घर में जा रहे हैं, और इस घर से उस घर की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी हम लोग हैमबर्ग के थोड़ा बेसिकली मान लो एक वेस्ट साइड में, और हम लोग अभी ईस्ट साइड में जाएंगे हैमबर्ग के। तो और यहाँ आप लोग सोच रहे हो हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट मिलना बहुत खुशी की बात है गाइस। ये खुशी मैं मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं वो समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर और खास करके आप सिटीज में रह रहे हो तो अगर बर्लिन, म्यूनिशन, हैमबर्ग पहले इतनी मुश्किल नहीं था, लेकिन अब हैमबर्ग भी हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया अपार्टमेंट चेंज करना, बहुत ज्यादा। और प्लस आप अपार्टमेंट चेंज करो फिर आप ये नहीं सोचोगे ऐसा उसमें जाते मैं छोड़ू, आपको मन करेगा लंबा थोड़ा लंबा रह लेते हैं फिर ऐसे, क्योंकि शिफ्टिंग करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। शिफ्टिंग का भी बहुत हम बनाएंगे बाद में, ब्लॉग बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्या चाहिए, किस किस के कहाँ कहाँ दिक्कत है उसकी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ, फिर वहाँ पहुँच के थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करेंगे, वो आप लोगों को बताएंगे क्या क्या हुआ, चाबी लेंगे, उसके बाद वो लोग चले जाएंगे, फिर हम आराम से बैठ के, अभी वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है, हम हमारी चटाई लेके जा रहे हैं ताकि हम बैठ के फैमिली को कॉल वगैरह करें। और हमने लंच भी नहीं किया, तो हमने टिफिन पैक किया, लंच भी सीधा वहीं पे होने वाला है, वहीं करेंगे बैठ के। तो चलो गाइस चलते हैं। गाइस हम लोग यहाँ आ गए थे, हमने सारी फॉर्मेलिटीज बेसिकली, कुछ बड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, बेसिकली आपको दिखाते हैं कि आपका घर ये है, हम आपको इस कंडीशन में दे रहे हैं, ये आपकी चाबियां हैं, यहाँ सब कुछ एक्सेट्रा। और बस बेसिकली ये होता है कि अगर आपको आपके घर में कुछ भी लग रहा है, जैसे कोई भी दरवाजा खिड़की कुछ भी है, तो उनको अभी बता दो, तो वो आपको सब कुछ चेंज करके देते हैं, बाद में आप बताओगे तो आपको खुद से करवाना पड़ेगा। बेसिकली जर्मनी का ना एक गोल्डन रूल है कि अगर कहीं भी आपको घर में कोई दिक्कत दिख रही है, पहले महीने में उनको बता दो, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आपके कॉशन वगैरह या आपके खुद की जेब से कुछ नहीं जाएगा, बाद में आपके ऊपर आ जाता है। हमने अभी सब कुछ देख लिया, जो जो हमें लगा हमने उनको बता भी दिया। हाँ। और सब चीजें हो गई, और हमें हमारे घर की चाबियां भी मिल गई है। तो चाबियां वगैरह सब मिल गई है। बाकी देखिए अभी जब से आए निया के तो घोड़े दौड़ रहे हैं कि मेरे को यहाँ ये डिजाइन करना है, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को यार वो तो मैं सोचूंगी ना घर कैसे भी वो डिजाइन करके। दिक्कत मुझे इसके सोचने पे नहीं है, दिक्कत ये है कि मुझे सब कुछ जोड़ना पड़ेगा बैठ के। हमने लंच किया, बहुत भूख लग रही थी यार, इतनी तेज भूख थी कि हमें लगा सब कुछ बाद में, पहले खा बैठे खाने खाते हैं, फिर हम आराम से फैमिली को कॉल करेंगे अभी, और फिर उनको बताएंगे कि मेजरमेंट्स लेके जाएंगे यहाँ से, और ताकि उस मुताबिक आइडिया मिले। फिर हमें आज क्या शॉपिंग करनी है।
ये सब होने के बाद हम लोग एक वीडियो इस बारे में पक्का बनाएंगे। हाँ, कि क्या प्रोसेस होता है जब आप यहाँ पे आओगे, तो आपको कैसे अप्लाई करना है घर वगैरह के लिए सब, और कुछ कौन कौन से एग्जैक्टली सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स ए टू जेड वो हम लोग बाद में अपलोड करेंगे। और टाइम से ढूंढ रहे थे, मतलब हम जिस घर में हम लोग रहते थे ना, वो हम लोगों के लिए एकदम परफेक्ट था। पास में मेट्रो वाला स्टेशन है, पास में बस का स्टेशन था, बहुत सारे दो तीन तो सुपर मार्केट ही थे, और तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, सब 500 मीटर पे होते थे, आराम से वॉक करो जाओ। सबसे बढ़िया था हमारा हाउस आर्ट था, बाजू में हमारे पास में हमारी डॉक्टर भी थी, सब कुछ परफेक्ट है उस घर में। लेकिन वो हम दोनों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि अगर है ना उसमें इतना स्पेस नहीं है कि हम तीसरे को हमारे पास में बुला सकें। हम चाहते हैं अगर हमारे कोई भी पेरेंट्स आए, कोई मिलना है, तो हमारे पास एक रूम हो, अच्छा स्पेस होना चाहिए ना आपके पास, नहीं तो वो ये पूरा घर भरा भरा सा लगता है। इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि हम एक बार चेंज कर लें, अच्छा सा अपार्टमेंट ले लें, ताकि हमें स्पेस भी मिल जाए, मुझे मेरी बालकनी मिल जाए, ताकि मैं ढेर सारे प्लांट लगाऊं। और इसके दिमाग में आ रखी है इसको यहाँ यहाँ प्लांट लगाने, सब घर को प्लांट से भर दूंगी मैं, देखना। और आप लोगों को तो पूरा हाउस टूर मिलेगा ही, तो चलो फैमिली को कॉल करते हैं। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ बताने की। वेल गाइस, अभी आकाश अपने घर पे फोन कर रहा है पहले। आपको कैसे पता चला हम क्या बताने वाले? खड़े हो उसका बैकग्राउंड देख के बोल रहा हूँ। अरे पापा, हमारा सरप्राइज। यस पहले मम्मी पापा हाय बोलना एक बार, इधर हाय बोलना एक बार, हाय बोलो। अभी आकाश पेरेंट्स को पूरा वो दिखा रहे हैं, बालकनी वाला पूरा व्यू। तो यार देखो, मेरी भी बात हो गई है, अब निया मिला रही है, बस हम ट्राई कर रहे हैं इस बार सरप्राइज रोहित ना हो, क्योंकि पापा का तो पता नहीं इसे दिख गया, और जो हम दोनों भी शॉक हो गए, यार ये कैसे हो गया? नहीं, हमारे पास एक सरप्राइज है। पता हमें घर मिल गया। फाइनली घर मिल गया। इस मम्मी इधर हाय बोलना। हाय। इंसान की नियत होनी चाहिए, नियत नहीं है यार। तो ये यहाँ पे घर को दिखा रहे थे, घर की बातें करते करते अब ये लोग मेरी बुराई करना स्टार्ट कर दिया है। बुराई क्या कर रहे, सच्ची बोल रहे हैं। तो मुंह तो ना लगा। मुंडी दिखा, रितिका मुंडी कट रही है तेरी। ओ गाइस, अरे आप व्लॉग में रिकॉर्ड हो रही हो मौसी। वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और आज की वीडियो में बड़ा मजा आया। आकाश अभी थोड़ी सी दीवार वगैरह सारी इनकी मेजरिंग कर रहा है, क्योंकि अब हमें शॉपिंग स्टार्ट करनी है, और आईकिया के चक्कर लगने वाले हैं, मस्त चक्कर लगने वाले हैं फिर से आईकिया के। और पहले तो उस घर का पूरा फर्नीचर वगैरह वो खोलना भी पड़ेगा, पूरा फर्नीचर खोलना, फिर ट्रक वगैरह, फिर सब कुछ यहाँ पहुँचाना, क्योंकि मैंने जर्मनी में एक दो बार शिफ्टिंग करी है, पर कभी फर्नीचर के साथ नहीं करी, तो ये मेरे लिए पहली बार। आगे के ब्लॉग में आपको ना शिफ्टिंग वाले ब्लॉग भी मिलेंगे, कैसे शिफ्टिंग करेंगे हम लोग, शिफ्टिंग के टाइम क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या वगैरह इन सब। और हमें लग रहा है हमें ये महीना चला जाएगा शिफ्टिंग में, तो प्रॉपर हम इस घर में अगले महीने तक क्या पाएंगे। सो गाइस, आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमें तो बहुत मजा आया इस वीडियो के अंदर, बहुत अच्छी धूप आ रही है मेरे फेस पे, तो मैं एंगल सेट कर रही हूँ, मिया को स्पॉट मिल गया है वीडियोस बनाने के लिए, कि इतनी प्यारी धूप आने वाली है। वेल अभी तो धूप भी जाने वाली है, जर्मनी में ठंड, हमें तो सिर्फ स्नो दिखेगी थोड़े टाइम बाद में, लेकिन ये इस वाले गार्डन में पूरी स्नो भरी रहेगी एक पॉइंट पे। सो गाइस, ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही, आई रियली होप आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, टेक